सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेने वाली प्रथम महिला इनका हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक विशेष स्थान है ये राष्ट्रीय कवित्री के रूप में सम्मानित हैं। इन्हें अमरत्व प्रदान करने वाली ऐतिहासिक कविता है झांसी की रानी सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सब नहीं पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी जन जागरण की मशाल ये कविता आज भी अपनी अलग पहचान रखती है देशभक्ति के साथ साथ इनकी कविताओं में मातृत्व के निश्चल सहज अनुभव हैं तो दूसरी ओर इनके विद्रोही स्वभाव में समाज की बुराइयों रूढ़ियों का तीव्र विरोध करने का अदम्य साहस था परिवार समाज देश सेवा और काव्य कितना कुछ समाहित था उस एक अकेले व्यक्तित्व में हर व्यक्तित्व की एक कहानी होती है और उसकी शुरुआत भी सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और मां धीराज कुमारी। इनका बड़ा बेटा राम अवतार सिंह छोटा बेटा राम प्रसाद सिंह और सबसे छोटा बेटा राज बहादुर सिंह इनकी पांच बहनें थीं सुभद्रा जी इनमें से एक थीं उस समय का समाज पिछड़ा हुआ था छोटी उम्र से ही लड़की का घर से निकलना झूला झूलना छत पर जाना इस सब की मनाही थी पर राजबहादुर सिंह यानी छोटे भैया अपनी सब बहनों को पढ़ाना चाहते थे उनकी प्रेरणा से ही बहनों में कविताएं लिखने की प्रतिभा अंकुरित हुई ये बात है सन 1913 की सुभद्रा जी तब सिर्फ नौ साल की थीं जब इनकी पहली कविता नीम मर्यादा पत्रिका में छपी सुभद्रा कुंवरी के नाम से इस तरह से इनके जीवन में कविताएं लिखने और पत्र पत्रिकाओं में छपने की शुरुआत हुई इन्हीं दिनों सुभद्रा जी अपनी बहनों के साथ क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाने लगी सुभद्रा जी इक्की पर आते जाते कविताएं लिखती सन 1917 से सुभद्रा जी उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी वहां महादेवी वर्मा जी भी पढ़ने के लिए आईं और दोनों अभिन्न सखियां बन गईं दोनों कविताएं लिखती थीं पर दोनों की कविताओं में बहुत अंतर था सुभद्रा जी की कविताओं में सरल सहज लोक जीवन की भाषा महादेवी जी की कविताओं में थी अंतर्मुखी रहस्यमयी शैली पर मित्रता दोनों कवियत्रियों ने अंत तक निभाई 20 फरवरी 1919 को इनका विवाह लेखक लक्ष्मण सिंह से हुआ विवाह बिना दहेज के बिना घूंघट के बहुत साधारण ढंग से संपन्न हुआ था लक्ष्मण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे वे मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति की रचनाएं पढ़ते और सुनते कांग्रेस के कार्यों में स्वयं सेवक बनकर हिस्सा लेते थे सुभद्रा जी में देश प्रेम जगाने और लेखन में रुचि पैदा करने में लक्ष्मण सिंह ने पूरा सहयोग दिया ये समय था आजादी के संघर्ष का राजनीतिक उथल पुथल का उन दिनों अंग्रेज सरकार भारतीयों के दमन के लिए नए नए तरीके अपना रही थी इस सरकार ने सन उन्नीस में रॉलेट एक्ट बनाया जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी इसके विरोध में जब 13 अप्रैल सन 1919 में जलिया वाले बाग में सभा हो रही थी तो वहां ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने नि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई तब सारा देश दहल उठा प्रबल आक्रोश था हर क्रांतिकारी के हृदय में। सुभद्रा जी इस घटना से बहुत आहत हुई इसका दर्द अभिव्यक्त हुआ उनकी जलियां वाले बाग में बसंत कविता में यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते मिली हैं कंटक कुल से कलियां भी मिली हैं कंटक कुल से पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे शुष्क हैं अथवा झुलसे परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है हा यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है आओ प्रिय ऋतुराज आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना यह है शोक स्थान यह है शोक स्थान यह मत शोर मचाना इस अत्याचार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश असहयोग आंदोलन के रूप में उभरा सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा जी ने भी पढ़ाई छोड़ दी दोनों ने देश सेवा का व्रत लिया 1920 में दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए सुभद्रा जी स्त्रियों में संघर्ष का संदेश स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना पर्दा छोड़ना छुआछूत की भावनाओं के बहिष्कार को बढ़ावा दे रही थी इन्हीं दिनों माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया लक्ष्मण सिंह इसके संपादन का कार्य करते थे तब सुभद्रा जी का भी साहित्यकारों से परिचय होता था और उनके लेखों और रचनाओं को पढ़ने का अवसर सुभद्रा जी को मिलता था दिसंबर 1921 में सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में गए जहां गांधी जी से सुभद्रा जी का परिचय हुआ साबरमती से जबलपुर पहुंचकर फिर सुभद्रा जी ने कांग्रेस के प्रसार प्रचार का कार्य संभाला लक्ष्मण सिंह ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया दोनों साइकिल पर कांग्रेस का कार्य करते कभी कभी सुभद्रा जी अपने पति के साथ साइकिल पर चौदह किलोमीटर की दूरी तय करके भेड़ा घाट घूमने के लिए जाती शायद वहां से ही मिला होगा उन्हें रूढ़ियों को तोड़ने वाला चट्टान जैसा मन जिसके अंतस में बहती थी ममता और करुणा की सुकोमल भावधाराएं सन 1922 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में म्यूनिस्पल कमेटी से शुरू किया गया यह था जबलपुर का पहला झंडा सत्याग्रह सुभद्रा जी बनी पहली महिला सत्याग्रही जबलपुर के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया नागपुर में असहयोग आश्रम से सत्याग्रही जलूस में निकलते और गिरफ्तार कर लिए जाते कांग्रेस द्वारा जगह जगह सभाएं की जाती भाषण दिए जाते नागपुर की विधानसभा का टाउन हॉल सुभद्रा जी का भाषण सुनने के लिए खचाखच भर जाता सुभद्रा जी अपने भाषण के बीच बीच में जोश से भरी कविताएं सुनाती थी जैसे झांसी की रानी मेरी उम्र रही होगी बीस साल जब मुझे पहली बार यह कविता नवी कक्षा की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला तो उस अवसर पर मेरे दिमाग में यह बात कौंध गई कि इससे ज्यादा जबरदस्त शुरुआत मुझे जीवन में किसी कृति की दिखने वाली नहीं है आ, कोई भूमिका नहीं कोई माल्यार्पण नहीं कोई सम्मान नहीं सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी जो कथ्य है उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बगैर किसी भूमिका के उद्घाटित करने वाली पंक्ति है आ, जो दूसरी पंक्ति का आशय है वो इसकी शुरुआत से प्रकट हो जाता है कि एक जिस तरीके से ये कविता शुरू होती है और आप इसकी चौथी पंक्ति तक आते आते एकदम डूब जाते हैं एक ऐसी स्थिति में जहां पर आसमान फट गया है और आपको लगता है कि कोई ध्यान देने लायक घटना घट गट गई है ये आप समूची कविता अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये कविता हिंदी के एक बहुत प्रांजल रूप का हमारे सामने एक बड़ा निराला उदाहरण रखती है और जहाँ तक अलंकार शास्त्र की ध्वनि शास्त्र की बिंबों के की रचना की बात है या कि अगर आप इसको कहानी की कला के हिसाब से तोलें तो जो गति का सवाल है इन सभी पैमानों पर यह कविता एक लेखक के रूप में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है उनकी ये कविता जब्त कर ली गई थी फिर एक बेटी का जन्म जैसे इनका बचपन लौट आया था ये मात्रित्व बदला उलाया इनकी में भी मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी जैसे बच्चे बहुत सुंदर कविता उनकी है उसका भाव यह है कि एक बच्ची का आना मानो मेरे लिए बचपन का लौट आना है तो जो बचपन चला गया उसके लौट आने को एक बच्ची के रूप में अपने आंगन में महसूस कर रही हैं अब ये लौट आना ये लौट आना एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है जो हमारी आज़ादी चली गई थी जो हमारे हमारे आंगन का वो जो स्वाधीनता का एक फलता फूलता पौधा सूख रहा था औपनिवेशिक साम्राज्य के आने से वह अब लौटने वाला है जैसे बच्ची आई है जीवन में परिवार में एक मेरे गए हुए बचपन को वापस लाने का एहसास करा रही है ऐसे ही मेरे देश के आंगन से जो कुछ चला गया था वह वापस आने की एक आकांक्षा इस कविता में प्रकट होती है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं लिखीं जो बच्चों के साहित्य की अनमोल धरोहर हैं जैसे कोयल पानी और धूप खिलौने वाला कदम्ब का पेड़ सभा का खेल अजय की पाठशाला इत्यादि का पेड़ आज भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है ये कविता उनकी की परख का एक उत्कृष्ट नमूना है यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तेरे मैं भी इस पर बैठ कर बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली उन्होंने जितनी सुंदर कविताएं लिखी उतना ही सुंदर उन्होंने गद्य साहित्य कथा साहित्य लिखा उनके कथा साहित्य का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि उनके पास एक निश्चित कार्यक्रम था उनके सरोकार बड़े व्यापक थे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में वे सक्रिय रूप से भाग भी लेती रहीं और उस भावना को कविता के माध्यम से वाणी भी देती रहीं इसके अतिरिक्त स्त्रियों का उद्धार और उसके साथ साथ दलितों का उद्धार भी उनके एजेंडा पर बहुत प्रमुख जगह रखते हैं उनकी तमाम कहानियाँ स्त्रियों के दुख दर्द से प्रेरित हैं उनके अपने प्रयास निजी जीवन में और उनकी रचनाएं दलितों के बारे में गहरी संवेदना और सरोकार का परिचय देती हैं सन 1928 में इलाहाबाद से सुभद्रा जी की कविताओं का संग्रह मुकुल प्रकाशित हुआ इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेख सरिया पुरस्कार दिया गया उस समय यह पुरस्कार महिला लेखिकाओं के लिए निश्चित किया गया था इनका काव्य लेखन आजादी के संघर्ष से जूझते हुए भी निरंतर गतिशील रहा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से इधर जबलपुर में लक्ष्मण सिंह ने एक आम सभा में जनता का आह्वान किया और गिरफ्तार किए गए इसी दौरान सुभद्रा जी ने सामाजिक सच्चाइयां उभारने वाली कहानियां लिखी कहानी संग्रह का नाम था बिखरे मोती इसे भी हिंदी साहित्य की ओर से पुरस्कार दिया गया उनकी पाठक की उंगली पकड़कर हर दृश्य की सहजता का भागीदार बनाते हुए आगे बढ़ती हैं उनकी कहानियों के एहसास को नए अंदाज में समझा भी गया है उनका तेज इस प्रकार का था कि शायद बीस इक्कीस में जो पहली महिला असहयोग करने वाली नेता थी और जेल जाने वाली पहली स्त्री असहयोग कार्यकर्ता वो सुभद्रा जी थी तो सक्रिय स्वाधीनता आंदोलन में और सक्रिय रचनात्मक साहित्य में एक साथ उन्होंने प्रगति किया और ये चीज़ आज जब स्त्री मुक्ति के आंदोलन दुनिया भर में और खासतौर से हिंदुस्तान जैसे पिछड़े हुए समाजों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तब इस चीज का महत्व और इसकी प्रासंगिकता और ज्यादा हमारे लिए हो जाती है उन्नीस में बत्तीस में अछूतोद्धार की समस्या के निदान के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गांधी जी पूरे देश के दौरे पर निकल पड़े जबलपुर भी आए सुभद्रा जी ने इसका संदेश घर घर पहुंचाया सन 1936 में ये विधानसभा की सदस्य चुन ली गई थी जिसकी पुष्टि सरदार पटेल ने एक पत्र से की थी जबलपुर में सुभद्रा जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जेल में वे अकेली राजनीतिक बंदिनी थी उनकी जेल की डायरी में कुछ इस तरह का सच लिखा था आज लालटेन में तेल नहीं है कुछ न लिख सकूंगी मैं जल्दी जल्दी कुछ लिख देना चाहती हूँ दम तोड़े दे रही है आज भी करीब करीब कई मानों में उसी प्रकार के परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के संदर्भ में श्रीमती सुभद्रा भाई चौहान ने अपना संघर्ष किया था कविताओं की श्रृंखला से पता चलता है कि प्रायः उन्होंने प्रत्येक मानवीय पहले को छुआ है चाहे वो वात्सल्य का हो करुणा का हो पारिवारिक संबंधों का हो और सब में वही निश्चल झलकता है राष्ट्र को ऐसे ही महान व्यक्तियों की प्रेरणा की आवश्यकता है 1945 में सुभद्रा जी फिर विधानसभा की सदस्य चुन ली गई समाज के कार्यों को पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया पर नियति को कुछ और मंजूर था पंद्रह फरवरी उन्नीस के दिन नागपुर में शिक्षा विभाग की सभा में शामिल होने के बाद जबलपुर लौटते हुए मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया 1949 में जबलपुर शहर में नगर पालिका भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई तब महादेवी जी ने कहा था नदियों का कोई स्मारक नहीं होता दीपक की लौ को सोने से मर दीजिए इससे क्या होगा हम सुभद्रा के संदेश को दूर दूर तक फैलाएं और आचरण में उनके महत्व को माने यही असली स्मारक है उनका लेखन केवल साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट है ऐसा नहीं है उसमें जो उनकी सामाजिक चिंताएं हैं विशेष करके जो महिलाओं के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जो उनकी सजगता है वो आज जो पचास साठ सत्तर वर्ष बाद जो नया चिंतन सामने आ रहा है उसमें से कई चीज़ों की उन्होंने इसके पहले ही चिंता व्यक्त की थी और उसको उसके लिए जागृति के लिए उन्होंने सोचा था सुभद्रा जी जैसी कोई दूसरी लेखिका नहीं है जिन्होंने उस दौर में महिलाओं की करुणा को उनकी पीड़ा को उनकी सहृदयता को आवाज़ दी हो हम जब उन्हें याद करते हैं तो एक पूरा प्रसंग याद आता है इतने वर्षों का कम अवधि तक वे जिंदा रहीं लेकिन जितने दिन रहीं उनका काम यश से भरा हुआ है और कभी भुलाया नहीं जा सकता उनकी मृत्यु के बाद हिंदी के दो बड़े कवियों ने जो ट्रिब्यूट किया है जो श्रद्धांजलि दी है एक शमशेर जी ने और दूसरी मुक्ति बौद्ध जी ने तो वो दोनों अद्भुत हैं मतलब एक प्रेम और सौंदर्य का कवि उनको उसी ताप से याद करता है और दूसरी तरफ प्रतिबद्धता वैचारिक कठोरता का मुक्तिबोध जैसा कवि भी उनको उसी तरह से याद करता है ये सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही हमको मिलती है कि उन्होंने एक ऐसी सुंदर कविता लिखी जो कि झांसी की रानी जो कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है और जो कि हम हम सबों को इस टाइम में इस भारतवर्ष में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता सब है राष्ट्रीय चेतना हम सभी के राष्ट्र हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहें और बहादुरी से जीवन व्यतीत करें और, और यही इस टाइम की चेतना है जो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था ता उस टाइम में जो एक, एक, एक पहली पहली स्त्री होते हुए जो फर्स्ट स्त्री थी जो कि वो कविता के लाइन में, में मेरा ख्याल आई जो उन्होंने राष्ट्र को और उनको हम हृदय से प्रणाम सुभद्रा जी एक साधारण व्यक्तित्व में संजोए असाधारण गुण सादगी और ममता की पहचान एक ईमानदार देशभक्त समाज सुधारक कर्म के प्रति अटूट आस्थावान एक उत्कृष्ट कवियत्री आज जरूरत है हमें सुभद्रा जी के पद चिन्हों पर चलने की आजादी के मायने एक बार फिर से समझने की और एक मशाल बनकर देश के वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने की Bye. -bye. Bye, -bye.